लेकिन दोस्तों जहां पे इंडियन टीम के बारे में बात करें और बहुत सारी बातें करेंगे हम इस लाइव स्ट्रीम पर, ब्रॉट टू यू बाय डैफ न्यूज, मैं आप सभी लोग के सवाल भी लूंगा, या कोशिश करूंगा सारे सवालों का जवाब देने का। आई थिंक द टू मेन टेक अवेज और थ्री मेन टेक अवेज फॉर मी फ्रॉम यस्टरडेज मैच इज, वन, टारगेट सिर्फ 153, विकेट इतनी मुश्किल नहीं थी जितने की पहले मैच में हमने देखा। यू जस्ट डिड नॉट गेट इनफ एक्सपीरियंस बैट्समैन गेटिंग स्टार्ट्स। तिलक वर्मा ने पहले मैच में डेब्यू पे 39 मारे कुछ 21-22 गेंदों में, उस दिन में, उस हार में, उस नैरो हार में वो आपके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज दिखे, युवा खिलाड़ी है डेब्यू पे। और कल के मैच में दोबारा, यानी कि लगातार सिर्फ अपना दूसरा मैच खेलते हुए तिलक वर्मा अगेन लुक लाइक योर बेस्ट बैट्समैन। अनदर बैड मैच फॉर शुभमन गिल, अनदर बैड मैच फॉर सूर्य कुमार यादव, अनदर स्ट्रगल फॉर ईशान किशन, अनदर स्ट्रगल फॉर हार्दिक पांड्या। एंड द मेन थिंग आई वांट टॉक अबाउट इन दिस ब्रीफ सेगमेंट रिगार्डिंग द बैटिंग इज संजू सैमसन। अब इस चैनल के जो व्यूअर्स हैं, ब्रॉट टू यू बाय डैफ न्यूज, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं काफी समय से, तो आप जानते हैं कि संजू सैमसन को लेकर हमेशा जब भी उनका नाम आता है, मैं संजू सैमसन द वनडे बैट्समैन और संजू सैमसन द T20 आई बैट्समैन को अलग कैटेगरीज में डालता हूँ। संजू सैमसन द वनडे बैट्समैन, और ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ दोस्तों, अगर ये गलतफहमी है किसी के साथ, डू नॉट कंपेयर द टू एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय द टू। ये कल का मैच दोस्तों, ये संजू सैमसन का 19वां मैच था। 19 मैच के बाद इनकी बैटिंग औसत 18 का है, सिर्फ 150 है। और जो इनकी शुरुआत थी T20I करियर में संजू सैमसन को, और मैं जानता हूं कि 2015 में उन्होंने पहला मैच खेला T20, फिर 2020 तक उनको वेट करना पड़ा, बट दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज एनीमोर। इन रिगार्ड्स टू संजू सैमसन द T20 बैट्समैन, आई थिंक यस्टरडे इज डिसमिसल terrible shot in a tough situation. It just showed why I feel the team should not be putting Sanju Samson into the T20I lineup anymore. मैं आऊंगा वन डे पे, क्योंकि संजू सैमसन, और मैं दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी के अगेंस्ट कोई कैंपेन नहीं चला रहा हूँ, मेरे पास कोई हिडन एजेंडा नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों, रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपके सामने अपनी राय डालता हूँ। और संजू सैमसन, जैसे कि मैंने कहा था, 19 अंतरराष्ट्रीय T20 पारी में, इज एवरेजिंग 80, द स्ट्राइक रेट इज 130, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। इट टुक हिम 11 T20I इनिंग्स फ्रॉम हिज डेब्यू टू गेट टू 39, द सेम स्कोर द तिलक वर्मा इन हिज फर्स्ट मैच, पहला मैच में उन्होंने बनाया, उसके बाद तिलक वर्मा ने 50 बनाया। यानी कि इस कंपेटिटिव इंडियन क्रिकेट सेटअप में, जहां पे आपको 3-4 मैच ज्यादा नहीं मिलेंगे अगर आप सूर्य कुमार यादव नहीं हो, तो तिलक वर्मा हैज ग्रैब दोस अपॉर्चुनिटीज। दुख है, अफसोस की बात है कि संजू सैमसन ने 18 अंतरराष्ट्रीय T20 पारी में अपने मौके नहीं पकड़े, और कल का डिसमिसल लीड मी टू बिलीव कि द टीम इज वेस्टिंग टाइम प्लेइंग संजू सैमसन इन द T20I टीम। नाउ डू नॉट गेट दिस कंफ्यूज विद हिज वन डे स्टैट्स। हिज वन डे एवरेज इज 56 प्लस, द स्ट्राइक रेट इज 100 प्लस। इनको बहुत कम वन डे मैचेस दिए गए, वन डे फॉर्मेट में ये इनकंसिस्टेंट नहीं है, ये पारियां खत्म करते हैं, ये मैच खत्म करते हैं अपने बल्ले से। आई एम ऑल फॉर संजू सैमसन बीइंग पार्ट ऑफ इंडियाज वन डे प्लान्स। आई थिंक द 51 दैट ही गॉट इन द वन डे सीरीज इट अंडरलाइंस दैट फैक्ट, बट जहां पे T20 बात हो, आई थिंक इंडियन टीम शुड स्टॉप वेस्टिंग टाइम पिकिंग संजू सैमसन। दूसरी बात, अगर कल एक बहुत नेगेटिव बात मुझे दिखाई पड़ी मैच से, वो है दोबारा लगातार दो मैच के लिए हार्दिक पांड्या नॉट हैविंग फेथ इन युजवेंद्र चहल। पहले मैच में जब चहल ने अपने पहले ओवर में दोस्तों दो विकेट चटकाए वेस्ट इंडीज के, उस पहले T20I में हार्दिक पांड्या ने उनसे पूरे ओवर्स नहीं डलवाए, यानी कि उन्होंने चौथा ओवर नहीं फेंकाया युजवेंद्र चहल से। इट शॉक मी बैक देन। और कल के मैच में दोबारा हार्दिक पांड्या ने, जस्ट लाइक रोहित शर्मा, हैज नॉट शोन द फेथ इन चहल इन प्लेइंग हिम इन व्हाइट बॉल क्रिकेट सिंस ही बिकेम कैप्टन। इट सीम्स दैट हार्दिक पांड्या, बेशक उन्हें खिला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को युजवेंद्र चहल में इतना भरोसा नहीं है। और कल दोस्तों मेरा यह मानना है कि 3 ओवर 19 रन 2 विकेट, यानी कि 6.33 की इकोनॉमी से कल युजवेंद्र चहल ने गेंद डाली। ही वाज द मोस्ट इफिशियंट, द लीस्ट एक्सपेंसिव इंडियन बॉलर यस्टरडेज मैच। लेकिन हार्दिक पांड्या ने सोचा कि भाई वेस्ट इंडीज जब 7-8 विकेट डाउन थे, 7 विकेट डाउन थे, तो ही वेंट बैक टू पेस एंड द पेस प्रूव्ड इजियर और अलजारी जोसेफ एंड अकील हुसैन टू हिट। मेरा यह मानना है कि अगर कप्तान, T20I के कप्तान जो अगले साल लीड करेंगे इस टीम को T20 वर्ल्ड कप में, अगर हार्दिक पांड्या अपने सबसे अनुभवी, सबसे सफल स्पिनर में, यानी कि युजवेंद्र चहल में थोड़ा और भरोसा दिखाते, तो जरूर वो मैच इंडिया जीत जाते, बिकॉज इट्स वेरी टफ टू हिट द स्पिनर्स।
पेसर के सामने आप अगर 8-9 पे खेल रहे हो और अगर आपके पास डिसेंट टेक्निक है, आपके पास थोड़ी जान है, तो आप बॉल को गैप्स में प्लेस कर सकते हो और आप छोटी गेंद को या भारी गेंद को आप बाउंड्री तक मार सकते हो। और कल यही किया अकील हुसैन ने। लेकिन जिस तरह से युजेंद्र चहल ने इन वेस्ट इंडीज के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को, टॉप ऑर्डर बैट्समैन को लगातार 2 मैच में तकलीफ दी, मेरा यह मानना है कि अगर हार्दिक पांड्या भरोसा डालते चहल पे तो ही कुड हैव वन दैट मैच फॉर यू। सो संजू सैमसन्स परसिस्टेंस, संजू सैमसन्स पुअर शॉट, ओवरऑल इंडियाज लिंप बैटिंग एंड हार्दिक पांड्याज अगेन फॉर द सेकंड मैच इन अ रो इनएबिलिटी टू फाइंड फेथ इन युजेंद्र चहल, ये दोस्तों जो आप मेरे साथ यहां जुड़े हैं इस लाइव स्ट्रीम पर ब्रॉट यू बाय डेफन न्यूज, these are the main disappointments for me from yesterday's narrow 2-wicket loss to the West Indies in regards to Team India. Ab dosto aate hain aapke comments pe, kyunki jaise main baat kar raha tha, I want